विगत दिनों महू विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पुनीत शर्मा द्वारा बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम करवाने के लिए विद्युत विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष पुनीत शर्मा का कहना है कि प्रशासन द्वारा दोहरी नीति अपनाकर सिर्फ कांग्रेसी नेताओं पर ही FIR दर्ज की जा रही है, जबकि 22 और 23 तारीख को ग्वालियर में भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सभी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई थी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि मुझ पर ऐसे कितने ही केस दर्ज कर दो, मैं जनता की आवाज इसी तरह उठाता रहूंगा। पहले तो मेरा ये बोलना है कि ऐसी 100 कार्रवाई मुझ पर हो जाए तो भी मैं जनता से जुड़े मामलों में लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरी चीज, ये मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा मापदंड क्यों है? एक तरफ जो है वो ग्वालियर के अंदर 22 या 23 तारीख को भाजपा के जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो खुद CM शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे मीडिया में, दूरी की और सारी चीज़ों की, नियम कायदों की, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो ये मेरा सीधा सीधा बोलना ये है कि मऊ प्रशासन ने भाजपा के दावों में आकर मेरे पे 188 की कार्रवाई की है, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझ पर कार्रवाई की है तो फिर उन पर रहम क्यों? आप ये दोहरा मापदंड क्यों रख रहे हो? क्या हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली उन भाजपा के लिए अलग है और कांग्रेस की अलग है? तो मेरा सीधा सीधा बोलना है, कांग्रेसियों पर मुकदमे बंद करो बनाना, नहीं तो जो है वो हम लोग तो ऐसी ही जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और आपको 100 करनी हो, 200 FIR करनी हो, जितनी करनी हो आप करते जाओ। कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के संबंध में FIR दर्ज की गई है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुपालन में ना होने से FIR दर्ज किया गया है। इसमें MPB की तरफ से भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर धारा 188 के तहत FIR दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, महू।